सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल द पेट्स व्लॉगर पे। तो गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसपे अच्छे खासे व्यूज़ आए, अच्छे खासे लोगों ने देखा। मैंने जो शॉर्ट डाला था कि दाना वहाँ पे सूख रहा था और ये छपड़ा बिल्कुल तहस नहस था सेटअप, मगर अब हमने सेटअप वापस से कवर कर लिया और सरप्राइज़ जो था वो भी आपको दिख चुका है एंड साफ सफाई भी हो गई थी सेटअप पे। तो अभी मैंने क्या करा है, जो कॉलोनी में चार मटकियाँ थी बारिश की वजह से, उन चारों में से जो जो थी, एक बच्चा था सिर्फ, उनका क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन का पेयर का, वो भी मर चुका था ठंड के मारे। तो वो अभी इस मटकी में, इसको मैंने धूप लगवाया, मतलब इस मटकी से निकाल के इसको अभी धूप लगवाई है और ये मटकी रख दी। एक ही वाली मटकी, ये छोटी थी इसलिए बच्चे भी मरे, क्योंकि चार बच्चे दिए थे उसने और चार बच्चे वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि मटकी का साइज़ छोटा होने की वजह से। तो अभी मैंने यहाँ पे साफ़ सफ़ाई करी है, सब कुछ निकाल दिया, दाना पानी, ये चारों पांचों मटकियाँ साफ़ करके लगा दी। यहाँ पे जो एक मटकी एक्स्ट्रा थी इनकी, जिसमें इन्होंने इसमें ब्रीड कर दी थी, उसमें जो वहाँ पड़ी हुई है, मगर उसको अभी यहाँ से निकाल के इधर लगा दिया है। ये देखें, बड़ी मटकी एक पीछे लगी हुई है, ये अंडों पर फिर रेडी है एंड यहाँ पे फिंच की लगा दी। अभी हमने क्या करा, सिर्फ एक डफ छोड़ी है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन का पेड़ छोड़ा है। तो गाइस, काफ़ी हमारे घर वाले बोल रहे हैं, घर वाले नीचे बोल रहे थे, बोले ऑस्ट्रेलियन मत बेचो, एक काम करो ऑस्ट्रेलियन सारे एक जगह कर दो, बेचो नहीं अभी, क्योंकि अभी सीखो इस पर अच्छे से अच्छा और जितनी भी सारी नई नई ब्रीड लाओ तो इससे भी थोड़ा सा तजुर्बा हो जाए। तो मैंने ना बात तो सही कर रहे हैं, तो मैंने एक दोनों तीन और चार, चारों पेयर इधर छोड़ने का सोचा है और अभी हांडी इनकी फारिग नहीं है, जैसे इनके बच्चे निकल जाएंगे हांडी फारिग हो जाएगी, इनकी हांडी समेत इनको भी इस इधर कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो था वो ये रहा, ये देखें, ये हमारा जोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जोड़ा बचा है, एक ऑस्ट्रेलियन का बचा है और एक डब बची है। तो यहाँ पे भी लाने पड़ेंगे और मटकियाँ भी और लगेंगी, क्योंकि इनके बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चे में मैं नहीं बेचने वाला, या देखेंगे जगह हुई तो नहीं बेचेंगे और अगर जगह नहीं हुई तो बेचना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को लगने में भी टाइम होगा और वो मारेंगे जितने भी ब्रीडर पे आ रहे हैं बड़े वाले। तो ये जो लकड़ी का पिंजरा, ये तो वैसे ही काम वैसा का वैसा ही है। और गाइस, हमारे सेटअप पे जो दो नई वो आई हैं, मैंने दो चूज़े लिए थे देसी, एक जो है वो मर चुका है और एक जो है वो ये रहा, माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा है। और यहाँ पे ये वाली फीमेल जो, ये तैयार हो गई पूरे अंडों पे वापस से, ये भी अंडे ले कर देगी जैसे इसके बच्चे बाहर आएंगे एक डेढ़ हफ्ते में, ये भी अंडे ले कर देगी दोबारा से। और ये वाली भी, तो इनकी ये वाली जो हंडी थी ना, ये वाली जो यहाँ से उठाई है वो यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से मैंने उतारी, ये वाली फीमेल इसमें बैठी हुई थी, यहाँ से उतारी और फिर यहाँ लगाई है उसको निकाल के, नहीं तो वो इसमें ही अंडे बच्चे ले कर दे, अंडे दे देती और इसके बच्चे सही तरीके से पल नहीं पाते। तो मैंने उठा के इधर लगा दिया, फिर आपको दिखाते हैं टॉर्च ऑन करके, ये देखें। तो ये लगा चुका हूँ मैं और ये उठाते हैं और अभी जल्दी से फिंच को छोड़ देते हैं इनके अपने जगह पे। तो ये देखें, ये मैंने पकड़ी हुई है फीमेल, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, ये देखें इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, ब्रीडर फीमेल है, गर्म हो रही, जल्दी से इसको छोड़ देते हैं देन फिर मेल को भी छोड़ देते हैं। तो भाई फीमेल तो चले गई एंड अब मेल को भी जल्दी जल्दी से छोड़ देते हैं। ये रहा हमारे पास अच्छे साइज़ का मेल, इसका साइज़ चेक करें, माशाल्लाह कितना साइज़ अच्छा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, होम ब्रीड है ये, मतलब सारी घर की पली हुई ब्रीड थे। ये मैंने छोटा था बच्चे लिए थे और ये यहाँ नहीं थे, ये कहीं और नीचे दूसरे पिंजरे में पल लेते, मगर अब मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा था, ये होम ब्रीड थी। तो जल्दी से इनको बंद कर देते हैं और इनको मैंने आज सुबह सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर दिया था, और इन्होंने भी माशाल्लाह खा लिया, जितना था सारा भुट्टा था और पालक था ये भी खा लिया, इनको भुट्टे का पत्ता बड़ा पीस दिया था माशाल्लाह, ये भी खा के बैठे हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है माशाल्लाह दुम भी। और जो दो सरप्राइज थे उनमें से एक तो चूज़ा था, बल्कि तीन थे, एक चूज़ा दिखाया आपको, दूसरा ये है कि मैं ये पिंजरा लेकर आया था हरे तोतों के लिए अपने ये पिंजरा लेकर आया मैं, ये वाला पिंजरा, ये तकरीबन एक फुट चार पाँच इंच का ये पिंजरा है ऐसे, और लंबाई में ये एक फुट और छः आठ इंच का ये पिंजरा।
तो ये वाला एक सरप्राइज और दूसरा सरप्राइज था ये। टूट गई भाई पाँव में आ गया। तो दूसरा सरप्राइज था ये, हम होगो रोमो लाए माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट कलर के होगो रोमो हैं। इसको मैं तफसील से दिखाऊंगा अगली से अगली व्लॉग में। अगर इसमें बहुत सारा ढेर सारा व्यूज़ और लाइक्स आए तो मैं अगली वीडियो में इनको अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि इनकी खूबसूरती माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, अभी तो मैंने आपको ऐसी दूर से दिखा दिए, ये देखें दूर से दिखा दिए, मगर करीब से देखने में इनकी खूबसूरती डबल है। तो अभी इन सब की प्रोग्रेस भी दिखा देंगे, बच्चों का क्या क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं आप लोग भी, और मैंने भी नहीं देखा था बीच में, जगह भी दो चार चेंज हुई है, देखते हैं कि प्रोग्रेस सही चल रही है कि नहीं। माशाल्लाह एक बच्चा जीरा और दो ईयर है, रेड आइज का बच्चा ये। तीनों बच्चे आ गए, और ये जो येलो वाला बच्चा है, ये जो येलो वाला बच्चा है ये रेड आइज का बच्चा है। और अब आपको यहाँ वाली प्रोग्रेस दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह इनकी भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से इन्होंने भी फीड वीड करी हुई है। एंड ये वाले तो माशाल्लाह नीचे वाले जो थे हमारे फर्स्ट वाले बेबी, वो सबसे पहले हैच हुए थे, ये तो माशाल्लाह बाहर आने लग गए थे। इनकी भी अभी आपको दिखा देते हैं प्रोग्रेस। तो ये देखें इनकी भी प्रोग्रेस, ये देखें ये मेल और ये दोनों बैठे हैं बच्चे, बीच में फीमेल है। ये सेटअप भी बहुत गंदा हो रहा है, ये सारा बर्तन भी निकाल लेता है, इस कॉलोनी का जितना भी सामान था ये सारा निकाल दिया था, इनको भी समेटता है, देन फिर आपसे मिलते हैं। ये सेटअप जो है साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, मगर इससे ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया, तो इनको समेटते हैं फिर आपसे मिलते हैं। समेटने के बाद देखते हैं कैसे लगता है साफ़ सुथरा सेटअप। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ की सारी सफाई मैंने कर दी है, जितनी भी सफाई थी, दाना पानी इनको डाल दिया, सारे अपना दाना पानी खा रहे हैं। होगो रोमो हमारा नए पैरट्स, मतलब न्यू पैरट्स हमारे जो सेटअप पर आए हैं, ये आए थे पीर को और वीडियो नहीं डालने के बावजूद तो आपको पता नहीं चल सका। और नीचे भी हमारे चूज़े को भी बंद कर देता हूँ, सब ने अपना दाना पानी खा लिया है, इन ग्रीन वाले पैरट्स ने भी, टाइसन एंड टाइनी ने भी, तो और ये सारा साफ भी कर दिया। बस ये निकला है कि दो मटकियों में से निकला है नेस्टिंग मटेरियल, इसमें से थोड़ा सा हम डाल देंगे आजकल में, क्योंकि अभी तो वो सेट होंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को रखते हैं यहीं पर ख़त्म, करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।